हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। हफ्ते का पहला दिन और निफ्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। 126 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। जो हमने लेवल्स मार्क किए थे इंट्राडे के लिए, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल इजीली अचीव हुआ। हमारा लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं निफ्टी में, उसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 450 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बना हुआ है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, इसी के बीच में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है। तो अभी अगर वीकली चार्ट को हम देखें तो यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 और अभी ये फोर्थ टाइम है इसको पेनेट्रेट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं देता वीकली चार्ट में, तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है ओवरनाइट के लिए। तो थोड़ा वेट करें लॉन्ग जाने के लिए, इसके ऊपर क्लोज होने दे, एक बुलिश कैंडल बनने दे यहाँ पर ग्रीन कैंडल, तो हम निफ्टी में और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल ट्रेंड लाइन हर्डल का काम कर रहा है। अभी 60 मिनट की चार्ट में चले तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो आज के हाई के जस्ट अबव, यानी 17696, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 17720 और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 17738, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो आज का ये जो रेड कैंडल बना था उसका जो लो बन रहा है यानी अराउंड 17622, यहाँ से इसने फिर से जंप किया था, तो ये सपोर्ट लेवल हो सकता है और 17622 हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 17599 का और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड ब्लू लाइन के पास जो कि 50 EMA का लाइन है, अराउंड 17577, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में जहाँ पर जो हमने बात की थी, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। नेक लाइन को तो ब्रेक कर लिया था लेकिन ऊपर जो ये बन रहा था सेलिंग जोन, तो इसको भी आज इसने ब्रेक कर लिया है। तो कल आर्ली चार्ट में अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में भी हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर होगा 39877, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 39945 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 40026, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा 40030, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो सेलिंग जोन का लेवल था, ये रेड कैंडल का हाई 39729, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 39653 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 39580, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, दोबारा से जब इन लेवल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी पोजीशन लेना सही साबित होगा। तो ये है निफ्टी इंट्राडे लेवल्स और बैंक निफ्टी के भी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5paisa, एंजल ब्रोकिंग। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर सपोज आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ज़ीरोधा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो। और उसके बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो एक छोटा सा इंट्रो था।